आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है और दिए गए सवाल को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम सबसे पहले अपना जो सवाल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा जो सवाल है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद है और इसलिए अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ बढ़ेंगे। और इस मेथड के मुताबिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और उसमें जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम निकाल के राइट साइड पर ले आते हैं। और जब भी कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन होगा तो हम हमेशा कांस्टेंट को निकाल के राइट साइड पे लेके आएंगे। तो जो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं फैक्टराइजेशन वाले, वहां पे ऐसा नहीं था, हमने वहां पे जीरो को जीरो ही रखना था। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की ये प्रॉपर्टी है कि हम हमेशा यहां से कांस्टेंट को निकाल के राइट साइड पे लेके आएंगे। तो अब हम लेके आ चुके हैं, अब हम इसके ऊपर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और अब हमने इसके ऊपर मेथड अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो सिंगल वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा जो कि 6 है। तो 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6/2 हो जाएगा और डिवीजन के बाद हमें 3 मिलेगा। तो इस स्टेप के बाद जो भी हमें आंसर मिलता है हम उसका स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर लेने के बाद उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लेफ्ट साइड पे भी ऐड करते हैं और राइट साइड पे भी ऐड करते हैं। और एडिशन के बाद लेफ्ट साइड जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है और जो राइट साइड है वहाँ पे जो स्क्वायर है वो ओपन होता है और उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे रिजल्ट आता है हम लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद और राइट साइड पे जो भी प्लस या माइनस करने से रिजल्ट आ रहा है इसके बाद हम दोनों साइड्स का अंडर रूट लेंगे और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो होल स्क्वायर है वो इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे हम प्लस नेगेटिव अंडर रूट लिखेंगे। और प्लस नेगेटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें दो किस्म के रिजल्ट्स चाहिए। जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन में एक्स की दो वैल्यूज़ निकाली थी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, इसलिए हम हमेशा राइट साइड पे प्लस नेगेटिव अंडर रूट लेते हैं। तो इसकी मदद से एक जो वैल्यू आएगी वो प्लस की वजह से आएगी और एक नेगेटिव की वजह से आएगी, तभी हम एक्स की दो वैल्यूज़ हासिल कर पाएंगे। तो हमने अब x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो -3 है ये जाएगा राइट साइड पे, इसका साइन चेंज होगा और एक दफा हमने प्लस डालना है इसमें और एक दफा हमने नेगेटिव डालना है। तो प्लस और नेगेटिव डालने से हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी और यही हमारा आंसर है।